आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समाकलन के महत्वपूर्ण 16 सूत्र पढ़ेंगे और इसके बाद जो है प्रश्नवाली 7.1 के उदाहरण लगाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए इसके 16 महत्वपूर्ण बेसिक सूत्र कौन कौन है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, समाकलन का सिंबल इस तरह से होता है और सबसे पहला सूत्र आने वाला है x के पावर n इंटू डी एक्स। देखिए, x के पावर n मतलब चर के पावर अचर, मतलब उसके सर पर अचर चढ़ा हो तो उसका समाकलन करते समय जितना पावर है उसमें एक जोड़िए, तो x के पावर n प्लस 1 और जितना पावर बना उसी से अब भाग कर दीजिए n प्लस 1, और फिर प्लस c जोड़ दीजिए और जहां n डज नॉट इक्वल माइनस 1। क्यों माइनस 1 पर ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसके बटा में माइनस 1 जब रखिएगा तो माइनस 1 और प्लस 1 कट के 0 आ जाएगा, और बटा में किसी के अगर 0 आ जाए तो उसका मान आज तक किसी को पता नहीं है। ठीक, अब प्लस सी क्या है जोड़े, देखिए एक्स के पावर एन ये किसी न किसी फंक्शन का अवकलज होता है और अवकलन करते समय कॉन्स्टेंट का अवकलन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वही कॉन्स्टेंट हम सी जोड़ लिए हैं। सी क्या है, अचर संख्या है। अब वो कोई फंक्शन होगा, जैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए 4x² + 3 था, अब इसका डी वाई डी एक्स हम लोग कर दिए मतलब अवकलन कर दिए, तो पावर बाहर जितना पावर उसमें से कम करिए प्लस कॉन्स्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0, तो इसका 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। एक्स के पावर 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए। देखिए करते हैं, देखते मिलता है कि नहीं मिलता है। 8 समाकलन 8x·dx करके देखते हैं, 8 बाहर एक्स के पावर एन, देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे समाकलन करना है तो एक्स के पावर 1 + 1 और जितना है उसी से डिवाइड कर देंगे, तो 1 + 1 तो 4x² यहाँ पे 8x² / 2, अब ये 2 से काट दीजिए, 4x², लेकिन हम किस फंक्शन का अवकलज किए थे, 4x² + 3 का किए थे, मिल कितना रहा है, 4x² मिल रहा है, यानी कि ये 3 तो नहीं मिल रहा है। इसी 3 को प्राप्त करने के लिए हम लोग समाकलन करने बाद प्लस सी जोड़ देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे प्लस सी जोड़ते हैं। प्लस सी जोड़ने का रूल समझ में आ गया होगा आपको, प्लस सी जोड़ते क्यों हैं। अब देखिए ध्यान से, दूसरा सूत्र समाकलन डी एक्स दे या 1 × dx दे, इसका जो समाकलन होता है x होता है प्लस c होता है। अब ऐसा काहे होता है, dx देगा तो x, dt देगा तो t, du देगा तो उसका समाकलन u होगा, ऐसा काहे होता है। देखिए इसको एक है ना, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, x के पावर 0 × x लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 0 + 1 प्लस सी। देखिए 0 में एक जोड़िएगा 1 आएगा, और x के पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, तो ये x हो जाएगा बटा में 1 का कोई मतलब नहीं होता है प्लस सी। देखिए आ गया ना, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, dx रहेगा तो x लिखिए, dt रहेगा तो t लिखिए। तीसरा e·x·dx, e के पावर x का जो समाकलन होता है वो e के पावर x होता है प्लस c होता है। चौथा sin x का समाकलन होता है माइनस cos x प्लस c, cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है प्लस c समाकलन, sec²x का जो समाकलन होता है tan x प्लस सी होता है। देखिए इन फंक्शनों का अगर आप अवकलन करिएगा तो पुनः ये मिल जाना चाहिए,
कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉटेक्स प्लस सी। आठवां, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है सेक एक्स प्लस सी। उसी तरह से नवा, कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। दसवां, ए की पावर एक्स मतलब अचर के पावर चर, उल्टा है इसका, तो इसका होता है ए के पावर एक्स बट्टा लॉग ए, या कहीं ई बेस ए देता है तो इसके बेस में ई छिपा हुआ है। और प्लस सी। ग्यारह, जैसे वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यही फिर से रहे वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता है माइनस कॉस इनवर्स प्लस सी। तेरह, एक बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। चौदह, इंटीग्रेशन वन अपन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है प्लस सी होता है। पंद्रह, इंटीग्रेशन वन अपन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सोलह, वन अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक इनवर्स प्लस सी। तो इस तरह से आप बेसिक 16 सूत्र समझ सकते हैं। और एक बात बताएं, समाकलन करने का सबसे बड़ा सिस्टम ये समझिए कि आपको किसी फंक्शन को तोड़ फोड़ जैसे भी जोड़ घटाव करना है वो सारा करके आप जो है ऐसा बनाइए, समाकलन करने के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ेगा तभी उसका समाकलन मिल पाएगा। कोई भी फंक्शन कैसा हो दिख रहा है उससे माने मतलब नहीं है, आपको ये जो इंटीग्रेशन में दिख रहा है ना ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसे शकल के बनाने पड़ेंगे, इस शकल के अगर मिल गए आदमी उसी का नाम पता रहेगा, बकिया का नाम पता नहीं रहेगा। तो आप सबसे पहले कोई भी फंक्शन है तो इस शकल में बनाइए उसको, और इस शकल में अगर बन गए, इस शकल में बन गए तब उसका समाकलन बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। इतने 16 सूत्र हैं, आप एकदम आराम से याद कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी किताब है और एनसीईआरटी किताब का उदाहरण नंबर एक लेने वाला हूँ। उदाहरण एक देखिए, उदाहरण एक कह रहा है निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन ही है, प्रति अवकलज, अवकलज का उल्टा, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे का उल्टा ही है। मतलब जैसे आप पढ़ते हैं तो घर से स्कूल जाना मान लीजिए अवकलन है, तो स्कूल से घर जाना समाकलन है, उल्टा है एक दूसरे का, इसीलिए इसको कहता है प्रति अवकलज। जैसे निरीक्षण विधि का उपयोग करके, निरीक्षण का मतलब होता है उसको हमें देख के बताना कि ये किस फंक्शन का रैली में अवकलज हो सकता है। जैसे पहला है कॉस 2x, चूंकि अब देखेंगे कॉस 2x किसका अवकलन होता है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, d बटा डी एक्स साइन 2x, साइन 2x का जो अवकलन होगा वो साइन x, साइन x का अवकलन कितना होता है कॉस x, लेकिन जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो 2x का जब अवकलन करिएगा तो 2 अपने स्थान पर x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि d बटा डी एक्स साइन 2x बराबर 2
कॉस 2x, अब दो गुणा इधर भाग कर देगा तो कॉस 2x बराबर ये वाला आ जाएगा इधर, तो d बटा dx इसको अंदर लिख देंगे तो 1/2 साइन 2x, अतः लिख सकते हैं, अतः इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू dx बराबर 1/2 साइन 2x प्लस सी, ये हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो सवाल है 3x² प्लस 4x³, उसी तरह लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखिए ये किसी न किसी फंक्शन का अवकलज है, इसका प्रत्यवकलज हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि d बटा dx x³ प्लस x^4, इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग तो x^n घात बाहर एक घात कम, 3 में से घटाएगा 2 बचेगा, 4x³, क्योंकि घात को मैंने बाहर किया, एक घात मैंने घटा दिया, तो ये कहने का मतलब जो है ये किसका अवकलन है, इसका है, तो मतलब इसका प्रति अवकलज कौन होगा, ये वाला होगा, अतः इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ इंटू dx बराबर x³ प्लस x^4 प्लस सी। तीसरा सवाल ये कह रहा है 1/x, x डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि 0 परिभाषित नहीं है, चूंकि हम जानते हैं कि d बटा dx log x, log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है, तो मतलब जो है इसका प्रति अवकलज क्या होगा, ये वाला होगा, अतः 1/x इंटू dx बराबर log x प्लस सी। इसमें एक फार्मूला छूट गया है, इसमें एक फार्मूला ये छूटा है 9 नंबर, इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx, 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x प्लस सी। उदाहरण नंबर 2 ये कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, नंबर 1 में ये है इंटीग्रेशन समाकलन x³ - 1/x² इंटू dx, समाकलन का रूल ये कहता है कि जितने भी पद हैं प्लस माइनस में उसके साथ अलग अलग समाकलन तोड़ सकते हैं, गुणा और भाग का नियम अलग अलग प्रोसेस में है, लेकिन जितने भी कोई भी फंक्शन जितने भी प्लस माइनस में है उसको अलग अलग आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अब देखिए मैंने कहा था कि समाकलन करने के लिए ये शक्ल बनाना जरूरी है, लेकिन ये शक्ल में लगेगा क्योंकि चर के पर चर आ रहा है, तो इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग स्टेप में तोड़ देंगे, x³ - 1/x² इंटू dx अलग अलग लिख दिए, अब देखिए ध्यान से ये कट जाएगा तो एक्स बचेगा और ये ऊपर ले जाइए x^-2 हो जाएगा इंटू dx कर दीजिए, कुछ नहीं तो पावर कितना है x, तो x^n जितना पावर उसमें एक जोड़ना है जोड़ते हैं x^1+1 और जितना पावर आए उतने ही से भाग करना है 1+1 x^-2+1 / -2+1 प्लस सी, अब यहाँ कितना हो जाएगा x² / 2 और यहाँ हो जाएगा देखिए ये x^-1 आएगा यहाँ भी -1 आएगा प्लस सी, ये वाला यहाँ गुणा कर देगा x² / 2 -- गुणा प्लस और ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक उसी तरह से आपका जो है दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल ये कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स के पावर 2/3 प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो आप अलग अलग समाकलन भी तोड़ सकते हैं, जैसे x के पावर 2/3 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, जितना पावर है उसमें एक जोड़िए, तो x के पावर n 2/3 प्लस 1 बटा जितना पावर आ रहा है उतना ही से भाग करिए, 2/3 प्लस 1, एक किसका मैंने बताया था 1 इंटू डी एक्स कितना होगा x, और लास्ट में कितना हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब देखिए ये x के पावर 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/3 और 3 एकम 3 और 2 5/3 प्लस x प्लस c, ये पलट जाएगा तो 3/5 x के पावर 5/3 प्लस x प्लस c। तो इस तरह से इसका लगा सकते हैं। लास्ट जो है लास्ट तीसरे नंबर पर अगर हम लोग चर्चा करें, यह है इंटीग्रेशन x के पावर 2/3 प्लस 2 e के पावर x माइनस 1/x इंटू एक्स, कर दीजिए। जितना अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मन है तो अलग अलग तोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन 2/3 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर हो जाएगा e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस 1/ इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, समाकलन के अंदर वही रहेगा जो d के साथ रहेगा, वही वाला फंक्शन रहेगा, बाकी नहीं d के साथ x है तो x वाला फंक्शन बाहर नहीं आ सकता। जितना पावर है उसमें एक जोड़िए, x के पावर 2/3 प्लस 1 और उतना ही से डिवाइड करें, 2/3 प्लस 1 प्लस e के पावर x का, e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है, e के पावर x हो जाएगा और 1/x, 1/x का जो समाकलन होता है कितना होता है log x, log x और प्लस c। अब इसको आगे जोड़ घटाव कर दीजिए, कितना होगा x की पावर 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/3 फिर नीचे भी 5/3 आएगा प्लस 2 e के पावर x माइनस log x प्लस 2 e के पावर x माइनस इसका हो जाएगा log x प्लस c। अब देखिए x के पावर ये प्लट जाएगा, 3/ कितना हो जाएगा 5, x के पावर 5/3 प्लस 2 e के पावर x माइनस log x प्लस c। इस तरह से इस सवाल को भी लगा सकते हैं। तीसरे सवाल पर अगर फोकस करें तो तीसरा सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहला इसमें सवाल है इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉस x इंटू डी एक्स, आप सबके साथ समाकलन तोड़ सकते हैं, साइन x प्लस इंटीग्रेशन कॉस x इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन x बना बनाया है ज़्यादा नहीं, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x प्लस कॉस x का समाकलन साइन x प्लस c हो जाएगा आंसर, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान आसान है सर। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कोस इंटीग्रेशन कोसेक x इन ब्रैकेट कोसेक x प्लस कॉट x इंटू डी एक्स, इसके हमें इंटीग्रेशन करना है। कोसेक x का अंदर गुणा करा दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि समाकलन करने से पहले ये ध्यान रखो कि ये सकल के लोग चाहिए तुम्हें, उसी का मान पता होता है, इसका गुणा इसमें करेगा तो कोसेक स्क्वायर x प्लस कोसेक x इंटू कॉट x
इंटू डी एक्स। अब अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है कितना होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक मिटा दिया गया है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कोसेक एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स। अब प्लस कितना हो जाएगा, सी गुणा कर दीजिए, माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये रहेगा आंसर। उसके बाद जो है हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं इसका, उदाहरण का तीसरा। समाकलन 1 माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए हमें ऐसे फंक्शन को बनाना है जिसका हम समाकलन जानते हैं, चलिए बनाते हैं। इसके नीचे एक बार इसको लिखते हैं, तो एक बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये सबका डी एक्स हो जाएगा। एक बटा कॉस स्क्वायर किसका व्युत्क्रम होता है, सेक स्क्वायर का, और इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा मतलब टेन एक्स, एक बटा कॉस किसका व्युत्क्रम होता है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है टेन एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू टेन एक्स में कोई डिफरेंट नहीं है, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, तो ये रहेगा इसका आंसर। तो इस तरह से जो है आप लगा सकते हैं। चलिए उदाहरण चार देखते हैं, उदाहरण चार। उदाहरण चार ये कह रहा है एफ एक्स बराबर चार एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रति अवकलज एफ कैपिटल एफ ज्ञात कीजिए जहां एफ जीरो बराबर तीन है। तो दिया है एफ एक्स बराबर चार एक्स क्यू माइनस इतना, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फोर एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स सिक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसका प्रति अवकलज दिया है कैपिटल एफ एक्स, प्रश्न खुद दिया है। अब देखिए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, ये हो जाए एक्स क्यू इंटू डी एक्स माइनस सिक्स बाहर हो जाएगा, वन इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स चार, एक्स के पावर एन जितना पावर है उसमें एक जोड़ो और उतना ही से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ये चार से चार खत्म हो जाएगा, तो एक्स के पावर चार माइनस सिक्स एक्स प्लस सी, ये कैपिटल एफ एक्स का मान निकल गया। चूंकि प्रश्नानुसार प्रश्न कुछ कह रहा है आपसे, सुन लीजिए उसका बात क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार एफ जीरो बराबर एफ जीरो बराबर तीन है, तो यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे एफ के साथ क्या है एक्स है, तो यहाँ एफ के साथ कितना है जीरो, यानी कि इसमें एक्स के जगह पर जीरो रखना है और जो अचर पद है उसे हमें क्या करना है ज्ञात करना है। निकालते हैं, जीरो रखिएगा यहाँ पर, तो जीरो के पावर फोर माइनस छः गुणे जीरो प्लस सी, देखिए इसमें रख दिया मैंने बराबर कितना हो जाएगा तीन, ये सब कहानी खत्म हो जाएगा, सी का मान कितना निकल जाएगा तीन, अतः एफ एक्स बराबर एक्स के पावर फोर माइनस सिक्स एक्स और सी का मान प्लस तीन। तो इस तरह से आप जो है उदाहरण लगा सकते हैं।
नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें संपूर्ण प्रश्नावली 7.1 का सोल्यूशन होगा।